जब तक आपका 3 तारीख को 3 सितंबर को जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप प्रेफरेंस फिलिंग मत करो। सीएस से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो बीटेक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा में एडमिशन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके प्लेसमेंट हो जाए। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के प्रेफरेंस फिलिंग के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंट आपसे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया प्लीज प्रेफरेंस फिलिंग के ऊपर वीडियो बनाइए, हमें ये बताइए कि प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब क्या है और हमें प्रेफरेंस अपने फिलिंग किस तरीके से करनी है सही तरीके से, तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपने बहुत ज्यादा कमेंट किया तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आज के वीडियो में आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आप सब ये बोले थे कि भैया हमें प्रेफरेंस फिलिंग जो करनी है किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब क्या। प्रेफरेंस फिलिंग को हम चॉइस फिलिंग भी कहते हैं। ये एक चीज ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है। यहां पे चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आपको अपने कॉलेज और ब्रांच को सिलेक्ट करना है जो भी आपको पसंद है उस तरीके से आपको उनको सीक्वेंस में लगाना होगा और आपको सीक्वेंस में लगाना आना चाहिए क्योंकि ये जो है आपका इसी के बेस पर आपको क्या होगा कोई भी सीट अलॉट किया जाएगा। तो आप सब इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे देखिए ये प्रेफरेंस फिलिंग का आपको मतलब समझ में आ गया। मैं जैसे एक बार और बता देता हूं आपको, यहां पे देखो मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें लिखी हुई है, आप वीडियो पूरा देखना ताकि आपको सही तरीके से सारी चीजें मैं समझा सकूं। जैसा कि आपको पता है कि प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपको मैकेनिकल चाहिए तो आप क्या करोगे, मैकेनिकल ही चाहिए आपको, मैंने ऐसे मान के चला कि चलो हमें मैकेनिकल ही चाहिए, तो आप क्या करोगे सभी कॉलेजेस को यहां पे सिलेक्ट करोगे। जैसे आपको चाहिए मैकेनिकल कहां की पूसा की तो पूसा फिल कर देंगे, पूसा मॉर्निंग है तो मॉर्निंग का हो गया, आफ्टरनून में फिल करना है तो आफ्टरनून का फिल कर दो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मान लो फिर हमें चाहिए जीबी पंत, हम क्या कर देंगे जीबी पंत को यहां पे सिलेक्ट कर देंगे। ये सारी चीजें यानी कि ऐसे करने को हम क्या कहते हैं प्रेफरेंस फिलिंग कहते हैं। मान लो अगर आपका कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आप किस तरीके से फिलिंग वगैरह करोगे, ये सारी चीजें मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पहले आपको ये चीज क्लियर हो गई प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब क्या। अब यहां पे सुनो, जैसा कि आपको पता है कि प्रेफरेंस फिलिंग जो है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 यानी कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2020 में या फिर 2020 से जितने भी आपके आगे की तरफ थे, मेरा मतलब पीछे की तरफ आपके जितने भी थे सभी ईयर में यहां से लेकर आपका जो प्रेफरेंस फिलिंग है वो हर राउंड में होता था। राउंड नंबर 1 में भी होता था, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4 सभी राउंड में आपकी प्रेफरेंस यानी कि चॉइस फिलिंग हुआ करती थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा बुलेटिन में आपको ये दे रखा है या फिर टेंटेटिव शेड्यूल में भी देख सकते हो, वहां भी ये दे रखा है कि आपको प्रेफरेंस फिलिंग एक बार ही करने के लिए दी जाएगी। मतलब सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने प्रेफरेंस फिलिंग हर जगह नहीं लिख रखी है। जैसे कि यहाँ पे पहले जो होता था ना आपका प्रीवियस ईयर, वहां पे लिख देता था कि हाँ राउंड 1 खत्म होने के बाद राउंड 2 में भी आप प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हो। जैसे मान लो किसी भी स्टूडेंट ने जल्दबाजी में कर दिया अपनी प्रेफरेंस फिलिंग तो राउंड 2 में अपना सुधार सकता है। जैसे मान लो किसी को मैकेनिकल नहीं चाहिए गलती से उसका फिल हो गया है तो क्या कर सकता है राउंड 2 में उसको निकाल सकता है, हटा सकता है, अब फिर प्रेफरेंस को मेरा मतलब एडिट वगैरह कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी आप वहां पे खोल के देखोगे ना जो हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है उसके अंदर ये मेंशन है कि आप प्रेफरेंस फिलिंग सिर्फ एक ही बार कर पाओगे, ऑप्शन एक बार दे रखा तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक ही बार कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो आपको। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको प्रेफरेंस फिलिंग किस तरीके से करनी है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्रेफरेंस फिलिंग का मौका सिर्फ एक बार ही दिया जाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रेफरेंस फिलिंग का जब भी आपको दिया जाएगा ऑप्शन तो आप तुरंत ही उसको फिल ना करें। जैसे कि आपको पता है कि आपका यहां पे साइड पे अपडेट दे रखा है कि 7 सितंबर तक आपका क्या चलेगा प्रेफरेंस फिलिंग चलेगा। तो यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं जब आपका रिजल्ट जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, जैसे आपको पता है कि 3 सितंबर को आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, देखो अगर डेट चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूं कि आपकी साइड पे जो मेंशन है यदि जब तक आपका 3 तारीख को 3 सितंबर को जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप प्रेफरेंस फिलिंग मत करो। समझ आ गया, तब तक आप प्रेफरेंस फिलिंग मत करो क्योंकि जब तक आपको अपनी रैंक पता नहीं चलती तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको ये चीज मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। जैसे मैकेनिकल के लिए बहुत हाई कट ऑफ चाहिए किसमें पूसा में, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि पहले आप तो वहां पे आ जाने दो, मेरा कहने का मतलब है अपनी रैंक को आ जाने दो यानी कि रिजल्ट को आ जाने दो, रिजल्ट के आने के बाद आप सब प्रेफरेंस फिलिंग करिएगा। ये मेरा जो था मैंने आपको टिप्स बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, करना चाहो तो भाई कर लेना, ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया। फिर भी मैं एक बार और आपको सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले देखो अगर आप प्रेफरेंस फिलिंग करते हो तो किस तरीके से करना है। अब यहां पे सुनो, जैसे सबसे पहला स्टेप ये है कि स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है सिलेक्ट योर ब्रांच, आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना है। पहले तो आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल मैकेनिकल करो, जो भी आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने यहां पे लिख लिया कि मुझे क्या क्या चाहिए, देखो मैं लिख लिया इस तरीके से रैंडम में लिख रखा है, यहां पे मैं लिख लिया मुझे मैकेनिकल चाहिए, ऑटोमोबाइल चाहिए या फिर मुझे सिविल चाहिए, इस तरीके से मैंने क्या कर लिया चूज कर लिया इस तरीके से, ठीक है तीनों। अब मैं क्या करूंगा, इस तरीके से चूज कर लिया मैंने, अब हम क्या करेंगे एक मुझे कंप्यूटर साइंस में मिल जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, लेकिन पहले प्रेफरेंस मैंने क्या, ध्यान रखना पहले प्रेफरेंस मैंने किसको दिया मैकेनिकल को दिए, किसके दिए मैकेनिकल को, फिर ऑटोमोबाइल को दिए, फिर किसको दिए आपके सिविल को दिए, फिर चौथी प्रेफरेंस मैंने किसको दिए देख सकते हो, मैंने यहां पे लिख रखा है 4th नंबर पे कंप्यूटर साइंस को, फिर अगला क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स को। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे कर लो भैया, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी को तो पहले भरोगे। मुझे मैकेनिकल में, मान लो किसी
लड़के को मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल भर लिया उसने। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में है तो कंप्यूटर साइंस को पहला प्रेफरेंस लिखना। अभी कॉपी निकालो और लिखो कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। यहाँ पे ऐसे कॉपी निकालो और भैया लिखो पहली ब्रांच मुझे क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो सिर्फ सीएस लिखो। अगर आपको दूसरा, अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाता तब आप क्या लेना चाहोगे, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बात बताओ, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं मैकेनिकल लूंगा या फिर अगर ये नहीं मिला तो मैं सीएस ले लूंगा। तो एक बात बताओ भैया, इसकी कैटेगरी अब तो ये आपकी चॉइस है, मैं फिर भी एक बार बताता हूँ। देखो अगर कंप्यूटर साइंस तो एक अलग ही फील्ड हो गया तो भाई फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लो ना, ये इसकी फील्ड में ही तो है। आगे जाके चेंज करोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बीटेक में अगर इसको चेंज करते हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाले। सीएस से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो बीटेक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल ले लिया, मान लो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपको सीएस में इंटरेस्ट था। अब देखो ना दोनों अलग अलग फील्ड है, आपको दोनों में इंटरेस्ट कैसे आ गया, ये चीज भी तो ध्यान रखो। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मुझे मैकेनिकल में, तो मैं क्या चाहूंगा अगर मुझे मैकेनिकल नहीं मिल रहा तो भाई मुझे ऑटोमोबाइल मिल जाए। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल लगभग एक ही है, बीटेक में जाके चेंज भी करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज बहुत, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये चीजें कोई नहीं बताता है, मैंने आपको अभी बता दिया इस वीडियो में, कोई भी नहीं बताता आपको। ये चीज क्लियर हो गई ना, तो आप क्या करोगे भाई, जो आप एक नीश पकड़ लो कि आपको क्या पसंद है ना। अगर इस वाले फील्ड में रहना तो भैया लिख लो, अगर इस वाले फील्ड में रहना वो भी लिख लो। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह में नहीं लिख रखा है क्योंकि बोर्ड पूरा भर जाता है, भैया लिख लेना। यहाँ पे आर्किटेक्चर भी होता है और कौन कौन से होते हैं आपके लिख लेना। यहाँ पे केमिकल हो गया, ठीक है, इन सभी कॉलेजेस मतलब जितने भी ब्रांचेस सभी ब्रांचेस को आप लिख लीजिएगा, है ना। मैंने बता रखा है कि कोर्सेस आपका कौन कौन से, सभी कोर्सेस को खोलो और आपको देखो कि आपका किस में मन है, किसी के कहने पे नहीं, आपका किस में मन है, ये चीज आप ध्यान रखना। लिख लिया ये, जैसे मैंने लिख लिया, मान लो मुझे सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। एक दूसरा बच्चा उसने बोला कि भैया मेरे को तो चाहिए सिर्फ आपकी मैकेनिकल चाहिए और ऑटोमोबाइल चाहिए और आपकी सिविल चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको भाई हर फील्ड में इंटरेस्ट है, देखो ना मैकेनिकल भी लेगा सिविल भी लेगा, तो कोई बात नहीं हम देख लेते हैं एक बार। मान लो ये पहला बच्चा है ए और ये बी बच्चा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनने क्या करा, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स अपना सिलेक्ट कर लिया, भाई मैं तो इसी फील्ड में रहूंगा, मुझे तो इन सब फील्ड में नहीं जाना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब यहाँ पे मुझे मान लो मुझे चॉइस फिलिंग करनी है, ए वाले स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे करेगा ये, तो सबसे पहले क्या है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सिलेक्ट योर कॉलेज। आपको अपना कॉलेज क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कॉलेज सिलेक्ट करने का क्या मतलब है भाई, कॉलेज आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, अस पर प्लेसमेंट, कि किस कॉलेज में कैसी प्लेसमेंट है इसके बेस पर। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्लेसमेंट कहां पर अच्छी है, है ना, प्लेसमेंट कौन से कॉलेज में बढ़िया, इसके बेस पर आप सिलेक्ट करोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा में एडमिशन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके प्लेसमेंट हो जाए। तो भैया अगर प्लेसमेंट के लिए देखना चाहते हो तो ये सभी आपके कॉलेज में बिल्कुल सीक्वेंस में दे रखे हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि भाई यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारी चीज है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया इस तरीके से। यहाँ पे सुनो, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो बोलेंगे भाई मेरे जो पास कॉलेज है मैं तो उसमें एडमिशन लेना चाहूंगा, यानी कि जो मेरे नियर बाय है उसमें मैं एडमिशन लेना चाहूंगा, तो वेल एंड गुड, वो भी सही है। जैसे आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हो। मान लो मैं अभी ऐसा हूं, यानी कि सेक्शन नंबर ये जो आपका ए स्टूडेंट है क्या चाहता है, ये चाहता है कि मैं किस में लूं, मैं इसको चूज करूंगा एज पर प्लेसमेंट, यानी कि जिसमें जिसकी प्लेसमेंट जैसी है मतलब जितनी ज्यादा अच्छी है मैं उसमें अपना एडमिशन लूंगा। तो इसने क्या करा, इसने इस तरीके से अपना सीक्वेंस बनाया कॉलेज का, देख लो भाई कॉलेज का सीक्वेंस एक बार। पहले क्या लिखा है इसने, पूसा, फिर क्या लिखा है जीबी पंत, फिर क्या लिखा आर्यभट्ट, फिर क्या लिखा है आपको गुरु नानक। इन तीनों में, इन तीनों जो आपके कॉलेज है, यहाँ पे मैकेनिकल नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई ये सारी वीडियो आप अगर आप नहीं देख रहे हो ना, सीट वगैरह की टोटल कोर्सेज की सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देखो। उसके बाद हमारा क्या सिविल हो गया आपका, उसके बाद हम बोल सकते हैं अगला ये क्या बच रहा था हमारा, सिविल मैकेनिक ऑटोमोबाइल। तो ये तीनों ब्रांच यहाँ पे तो है नहीं, तो ये कॉलेज तो मेरे काम के आएंगे नहीं। ये मैंने अस पर प्लेसमेंट लिखा हुआ है पूसा, फिर उसके बाद जीबी पंत की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, आर्यभट्ट की भी ठीक है आपकी, फिर गुरु नानक, इस तरीके से मैंने सीक्वेंस बना लिया। फिर आपका अंबेडकर, राजकोरी, इंटीग्रेटेड, तो ये तो है नहीं, तो आप ये तो फिल नहीं कर पाओगे। मान लो आपको मैकेनिकल चाहिए तो ये फिल ही नहीं कर पाओगे, तो क्या फिल कर पाओगे, आप फिल कर पाओगे सिर्फ ये 1, 2, 3, 4 ये फिल कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, पूसा का मैकेनिकल फिल कर लेना, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पूसा का मैकेनिकल, ये मॉर्निंग में, इसके दो शिफ्ट चलते हैं, मॉर्निंग भी चलती है आपकी और आपकी आफ्टरनून भी चलती है, तो आप आफ्टरनून भी सिलेक्ट कर लोगे, आफ्टरनून की मैकेनिकल। उसके बाद जीबी पंत में भी आपकी दो शिफ्ट चलती है, आई मीन शायद नहीं एक ही शिफ्ट चलती है आपकी, देख लीजिएगा वहां पे मेंशन होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए मैकेनिकल आपने क्या बोल लिया, आपने सिर्फ मैकेनिकल, देखो अगर आपकी साइड पे ऑप्शन आ रहा है आफ्टरनून और मॉर्निंग का तो आपको इस तरीके से भर लेना, अगर एक ही ऑप्शन आता है तो आप एक ही भरोगे। यहाँ पे समझ आया, अगर मान लो आपका जीबी पंत है तो जीबी पंत में आपने मैकेनिकल भर लिया, फिर इस तरीके से अंबेडकर में भी आपने क्या भर लिया, मैकेनिकल भर लिया, फिर आपका है गुरु नानक, गुरु नानक में भी आपने क्या भर लिया, मैकेनिकल भर लिया। पहले आपने मैकेनिकल को प्रेफरेंस दे दिया क्योंकि आपको मैकेनिकल आपकी फर्स्ट चॉइस थी, आपको चाहिए था मैकेनिकल, भर लिया आपने। फिर आपने देखा कि भैया मुझे उसके बाद तो ऑटोमोबाइल चाहिए, अगर मैकेनिकल नहीं मिल पाते इनमें से किसी भी कॉलेज में तो मैं ऑटोमोबाइल लूंगा। तो ऑटोमोबाइल के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया पूसा का, फिर देखो इन सबको खत्म कर लेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करा हमने पूसा का, हमने क्या ऑटोमोबाइल, फिर जी पंत का ऑटोमोबाइल, फिर शायद इसमें ऑटोमोबाइल है, एक बार चेक कर लीजिएगा, होगा तो भर लीजिएगा, वरना नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। तो ये चीज क्लियर हुई आपको, इस तरीके से आपने ऑटोमोबाइल भी भर दिया। फिर सिविल देखा आपने, आपने बोला कि ठीक है इनमें से अगर कोई नहीं मिलता तो मैं सिविल लेना पसंद करूंगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूसा का सिविल भर लेना है
और जी पंत का सिविल भर लेना है, आर्यभट्ट का सिविल भर लेना है, इस तरीके से जिस जिस कॉलेज में आपकी सिविल है उसको आप भर लोगे। तो ये जो मैंने कॉलेज इस तरीके से बना रखे हैं, ये आपके किसके बेसिस पर है भैया, ये आपके प्लेसमेंट के बेसिस पर है। मैं गर्ल्स को बताना चाहता हूँ, गर्ल्स के लिए आपके दो कॉलेजेस हैं, वैसे ये सभी गर्ल्स के लिए आपके, यानी गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, लेकिन गर्ल्स के लिए दो कॉलेज आपके रिजर्व करेंगे। एक तो आपका कस्तूरबा है, उसके अंदर आपका हॉस्टल वगैरह भी है, और एक आपका मीरा भाई है। तो इनसे बढ़िया तो आप लोगों के लिए गर्ल्स के लिए कोई कॉलेज ही नहीं है, तो आपको इसी को प्रेफरेंस सबसे पहले देनी है, ठीक है ना। बहुत अच्छे कॉलेज दोनों ही। यहां तक क्लियर हो, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। अब देखो मैंने जितनी भी चीजें आपको क्लियर करी है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो सेक्शन नंबर, यानी कि ए स्टूडेंट ने इस तरीके से फिलअप कर लिया। अब मान लो कोई बी स्टूडेंट है जिसका आपका क्या प्रेफरेंस था, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने क्या करा, सबसे पहले उसने अंबेडकर को भरा, ठीक है। मेरा मतलब है गुरु नानक में आपका कंप्यूटर साइंस है, गुरु नानक में आपका कंप्यूटर साइंस है, और मेरे अकॉर्डिंग कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। तो मान लो मैंने भर दिया भाई कंप्यूटर साइंस कहाँ का, गुरु नानक का, तो गुरु नानक का कंप्यूटर साइंस हो गया। फिर उसके बाद अंबेडकर का, तो अंबेडकर का मैंने भर दिया। फिर रजौकरी का, तो रजौकरी का मैंने भर दिया। फिर इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो मैंने इसका यहाँ पे भर दिया आपका कंप्यूटर साइंस सभी में, ठीक है। सभी कॉलेज में मैंने कंप्यूटर साइंस भर दिया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फिल किया, किसको, इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो यहाँ पे हमने सभी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिल कर दिया। इस तरीके से आपको करना है। एक चीज और, इलेक्ट्रॉनिक्स पता है आपको किसमें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका वो यहां पर भी है, यानी कि जहां जहां पर जैसे पूसा में, ये सीक्वेंस बना के दे दिया भाई, आप देख लेना। इस तरीके से आपको कम से कम आपको खुद के लिए तो लिखना ही पड़ेगा, एक कॉपी निकालो उसके अंदर लिखो कि सबसे पहले आपको कौन कौन से ब्रांच चाहिए, इस तरीके से बनाओ, ग्रुप बनाओ। फिर देखो मान लो अगर आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं पता, तो अगर आपको इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत, तो भाई सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, और भी चीजें होती है, तो सर्च कर लोगे, वहां पर आप देख लोगे, जो भी आपको अच्छा लगता है कॉपी में बना लो। अभी बहुत टाइम है, 7 सितंबर है, जल्दबाजी मत मचाना साइड खोल के। 7 सितंबर है, पहले आप देख लो सही तरीके से कि आपको कौन सा ये ब्रांच चाहिए। ब्रांच के बाद इस तरीके से कॉलेज मैंने डिसाइड कर दिया कि भाई देख लो यहाँ से आपको इस तरीके से कॉलेज वगैरह आपको सिलेक्ट वगैरह करने हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस है। अब ये नहीं बोला कि भाई ये बेस्ट कॉलेजेस है या फिर ऐसा कुछ, मैंने आपको ये बताया प्लेसमेंट यहाँ की अच्छी है, जो बात थी मैंने आपको यहाँ पे लिख के भैया दे दी है। अब बताओ अगर आपको कोई और डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओगे। और एक और चीज मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट एंड तक रुके हुए, मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो को खत्म करने से पहले, कि आप सबको क्या करना है, हमारे अब हम जो मेरा टारगेट था सब्सक्राइबर्स का वो थोड़ा सा पूरा होने वाला है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोगों को जो भी इस चैनल से हेल्प होती है ना, उसकी प्लीज वीडियो बना के आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे मेरे भेजना। सोशल मीडिया का मतलब क्या है, आपको या तो मेरे इंस्टाग्राम पे बना के भेज दीजिए, जैसे आपको क्या करना है, आपको अपना कैमरा खोलना है और थोड़ा सा आपको वीडियो बना लेना, आपको बता देना है 1 मिनट बना दो या फिर आप 30 सेकंड की बना दो, उसके अंदर ये बता देना कि आपको क्या हेल्प हुई है मेरे चैनल से। बस हम सभी वीडियोस को कंबाइन करेंगे और अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं जल्दी, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मैंने इंस्टाग्राम भेज सकते हो मेरे, या फिर आप क्या टेलीग्राम पे भेज सकते हो, या फिर आप इसके अलावा मुझे कहां भेज सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहां पे आप मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, प्लीज आप सब इसको करिएगा, और ये मेरी गुड़ी दक्षिणा मान लो, प्लीज आपको ये चीज करनी है। हम सभी वीडियो को कंबाइन करेंगे और सबके लिए एक वीडियो बनाएंगे, जो भी आप वीडियो भेजने वाले हो उन सबको कंबाइन करेंगे, और हमारे कुछ सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो उसकी खुशी में हम सब्सक्राइबर भी अनहाइड कर देंगे आपके, और आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। तो प्लीज आप सब जरूर भेजिएगा, आपको उसमें करना क्या, आपको ये बताना कि आपको क्या हेल्प होती है मेरे चैनल से, ये सारी चीजें, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।